एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं इतनी खुश नहीं हूँ जितनी मैं दिख रही हूँ, पता नहीं क्यों दिखा रही हूँ मैं ड्यूटी को खुशी ब्लॉग में। तो अभी ना टाइम हो रहा है 11:25 और मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि एमी जो है ना बीमार है, वो 4-5 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अभी मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ, मतलब दीदी ने बोला कि पतली सी खिचड़ी, बोली तो मम्मी दीदी ने बोला कि चावल डालना है थोड़े से, उसमें थोड़ी सी दाल डालनी और नमक और हल्दी डालना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो मैं बस वो बना दिया, इसको अब टिफिन में पैक करके ले जाऊँगी हॉस्पिटल। तो मैं सोचा कि व्लॉग भी बना ही देते हैं क्योंकि एमी ना बहुत खुश होती, इसको मेरे व्लॉग्स देखना बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज इसको भी व्लॉग्स में लाएंगे। तो चलो चल, पता नहीं अजीब सा हो रहा है आज, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सा, खुश नहीं हूँ मैं। वो कल ना मेरे को मार्केट में मिली थी 3 लड़कियाँ मेरी सब्सक्राइबर है, तो मतलब मेरे को और भी लोग बोलते रहते कि आप आजकल व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे हो। पता नहीं क्यों ना आजकल मेरा मन बहुत ही अजीब सा हुआ है, ऐसे जिसको बोलते एकदम टूटा टूटा सा, पता नहीं क्या होगा। ये मैंने बना दिया, बस हल्दी डाली है, नमक डाला है और चावल और दाल, मलका की दाल डाली है इसमें। तो आज मैं पहली बार खाऊंगी हॉस्पिटल का खाना, मतलब मरीजों का खाना। वही सब्जी टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर भी रिव्यू दिया खाने की, मैंने ये बनाया। हाँ मैंने बनाया। कैसा एमी, कैसा है? कैसा है? ठीक है। हमारी पैमा फिलहाल अभी फोन में व्यस्त है। एमो हाय, ठीक हो आप? अब ठीक है, एक दो दिनों से इसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी बट आज ठीक है। 5 दिन से, हाँ बोला था ना 5 दिन से, आज 5वां दिन है। ओ अपना फ़ोन है एमी के पास। मैं जरूर तो भी तब बुलाऊंगी। गाने भी बजते बजते गाने बाकी क्या करना बनी यार, ऐसे हो जाता है। नहीं ना मलका वो डाल के अभी खाई इसमें। अब तीन जो मुझे पकड़ेगा ना वो जीतेगा। चलो जो अम्मी को पकड़ेगा वो जीतेगा। ये क्या बन रहा है? डॉल? एक लड़की खड़ी जो अच्छा, ये एक चुड़ैल है, ये एक लड़की है। ओके स्टोरी सुना रही है हमको, स्टोरी है ना हमें? एक चुड़ैल, ये रात क्यूट गोलू मोलू जी बेबी आई है, बहुत क्यूट है ये। इसको बुखार है, गाल भी ला लो। हाँ ये लगती है सी होती नहीं होती। अभी हम लोग खाएंगे एप्पल और एम एस ओ दिए। ये है भाई हॉस्पिटल। और शिट फोन गया था अभी मेरा यहाँ से नीचे। एम ही चुकी है सो, और दीदी हमें हमारे मस्त गप्पे, हमको भी कब मिला था हॉस्पिटल में। अब ना इसकी तबीयत ठीक है, तब आज दीदी भी थोड़े खुश लग रही, नहीं तो 2-3 दिनों से इतने थे बस। तो अभी हम फिर आए चाय, दीदी लेके आए चाय और ब्राउन ब्रेड। 5 बज गए और अब जाके जा रही हूँ मैं रूम। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूँ वापस और अभी श्वेतु में जा रही हूँ चाउमिन खाने। इतना मन करा था ना चाउमिन खाने, तो मैं श्वेतु कॉल की, श्वेतु भाई अति हो रही है कुछ चटपटा खाना है, तो मैं कहा मैं आ रही हूँ तो फिर चाउमीन खाने जाएंगे। टीचर तो चलो फिर भी मैं देख के चल लेती हूँ, लेकिन ना गोबर ऐसा है कि भाई एक भी दिन नहीं होगा जब मेरे चप्पल जूतों में लगा नहीं होता है गोबर। तो
श्वेतु का फोन चुपचाप देखने की नीचे टेक्निक नीचे करो सब कुछ इसकी स्पेक्स में दिख रहा है, मुझे क्या करें। अब ये रील देख रही है, एक लड़की की रील देख रही है। ओ अभी एक लड़की को देख रही है। अभी जैसे हम लोगों ने जॉगिंग करा तो फिर थोड़ा सा वॉक करने आए थे आगे, और कूड़ा देख रही हूँ। मतलब अगर लोग अब क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी मतलब कूड़ा फेंक निकली, ना ही कोई कूड़े वाली आती है, ना ही कहीं डस्टबिन लगे हुए। हाय गाइस, तो मतलब मैं निकली थी सुबह की 12 बजे की निकली थी ना, मैं 12 बजे गई थी मैं हॉस्पिटल, फिर उसके बाद 5 बजे आ गई थी मैं हॉस्पिटल से वापस, उसके बाद मैं पहुँची अभी 7:30 बजे रूम। मतलब हम भटक रहे थे, फिर हमने चाउमिन खाया, आगे वागे गए घूमे फिरे, फिर अब जाके रूम पहुँच रही हूँ। और आज मैं फिर से श्वेत दीदी के मेहमान हूँ, श्वेत दीदी बना रहे हैं आज बैंगन की सब्जी, तो आज हम खाएंगे बैंगन की सब्जी। घर में बेशक से खाते नहीं है, लेकिन बाहर खाना पड़ता है। श्वेतु दीदी वो मस्त बना रहा है खाना। श्वेतु दीदी की निंजा टेक्निक, और मैं बनी हूँ गोपी बहू, बहू बहू गोपी बहू गोपी बहू। इस तो अभी इंस्टा पर लाइव गई थी, एकदम मजा आ गया मेरे को अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने का। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, ये है बैंगन की सब्जी, और ये देखो चपाती, सॉरी फोल्ड हो गया वो, ये देखो देखो श्वेतु की रोटी, मम्मी की रोटी गोल गोल पसंद रोटी। अच्छा बेटा ये क्या है? ये तो गलती इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो रोटी तो ऐसे बना ही सकता है। वैसे लास्ट में ना थोड़ा सा आटा बच गया था, उससे बनाई, वेस्ट नहीं करना है कुछ भी, वेस्ट पसंद नहीं है बिल्कुल भी नहीं। जो हम छोटे बच्चे होते थे ना, तब मैं इसको खाने के लिए मैंने बहुत रोती थी घर में। मतलब मम्मी को ये बोलती थी मेरे को ये खाना, मतलब जैसे मैं मूवी में देखती थी ना, वो लोग चिकन ऐसे खाते थे, तो मैं ऐसे इमेजिन करती थी ये चिकन है, और ऐसे ठीक वैसे स्टाइल से ही खाती थी मैं इसको बचपन में।